हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज आपका स्वागत करता हूं अमेजिंग प्रसाद में। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी हिट कीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज हम जानेंगे सड़क पर किस लेन पर गाड़ी चलाना चाहिए। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि रोड पर गाड़ी कैसे और किस तरीके से चलाना चाहिए। जब हम रोड पर गाड़ी चला रहे हैं तो हमें एक ही लेन पकड़कर चलाना है। दाएं से चल रहे हैं तो दाएं से ही चलना है, और अगर बाएं से चल रहे हैं तो बाएं से ही चलना है। अगर हमें लेन बदलनी है तो सिग्नल देकर ही लेन बदलें। दोस्तों, आमतौर पर सड़क पर तीन लेन होती है। जो डिवाइडर के बाजू में लेन है उसे ओवरटेकिंग लेन कहते हैं, और जो बीच का लेन होता है उस पर वो लोग चलते हैं जिन्हें आराम से गाड़ी चलानी होती है, और लास्ट वाली लेन पर हैवी गाड़ियाँ जैसे कि ट्रक, बस आदि चलती है। दोस्तों, ज़्यादा करके तीन लेन ही होते हैं, लेकिन बड़े बड़े नेशनल हाईवे पर इससे भी ज़्यादा लेन होती है। फिर भी दोस्तों, जो डिवाइडर के बाजू में पहला लेन है उसी लेन से आप ओवरटेक गाड़ी को कर सकते हैं। यानी आपको जब भी ओवरटेकिंग करनी है तो राइट साइड से ही करें, ताकि सामने वाली गाड़ी को पता चलता है कि मतलब आपको अपनी गाड़ी स्पीड से चलानी है या फिर आपको ओवरटेक करते रहना है। तो आप पहली लेन यानी ओवरटेक लेन से ही चलाएं, यानी राइट साइड से ही अपनी गाड़ी चलाएं, ताकि सामने वाली गाड़ी को पता चलते रहे और वह बार बार अपने पीछे वाले मिरर में यानी कि लेफ्ट साइड वाले मिरर में नहीं देखता, इसलिए राइट साइड के मिरर से उसे पता चलता रहेगा। और जब आपको लेन बदलनी है या ओवरटेक करते हुए एक लेन से दूसरी लेन पर जा रहे हैं तो सिग्नल देना आवश्यक है, तभी पीछे वाली गाड़ी अपनी स्पीड को स्लो कर पाएगा। जब तीन लेन न हो तो भी गाड़ी तेज़ी से चलाने के लिए आप ओवरटेक या ओवरटेक करते हुए करने के लिए राइट साइड से ही गाड़ी चलाएं। और अगर आप गाड़ी धीमी चलाना है या आप गाड़ी सीख रहे हैं तो बाईं साइड से चलें। ये तो था दोस्तों सड़क पर गाड़ी किस लेन पे चलानी चाहिए, और चलते चलते दो लाइन आप सभी के लिए। दोस्तों, जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरे को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट करना ना भूले। इस टॉपिक में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू।